अरुणावती बांध के मछुआरों की रोजी रोटी मानो अब चोरों के निशाने पर है। बीते दिनों शातिर चोरों ने 50,000 कीमत के मछली पकड़ने के कुल 43 पिंजरों पर हाथ साफ कर दिया है। इस घटना के बाद मछुआरों पर बेरोजगारी की नौबत आन पड़ी है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की रिपोर्ट। यवतमाल जिले के दिग्रस शहर के अरुणावती बांध पर बरसों से मछुआरे मछलियां पकड़कर अपना गुजर बसर करते हैं। बीते कुछ सालों से अधिकृत ठेकेदार के लिए वो मजदूरी पर मछलियां पकड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हाल ही में सतीश बावड़े नामक युवा मछुआरे के 43 मछली पकड़ने के जाल चोरी होने की घटना सामने आई है। दिग्रस पुलिस में इस बाबत 17 अक्टूबर को शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं आया है। इस संदर्भ में उक्त घटना के शिकार हुए चांद नागर निवासी युवा मछुआरे सतीश किसान बावड़े नागपुर मेट्रो से संपर्क कर जानकारी दी कि बीते 5 अक्टूबर की रात को उन्होंने मछलियां पकड़ने के उद्देश्य से अरुणावती बांध के जूनी देवरवाड़ी क्षेत्र में 43 पिंजरे पानी में लगाए और वे घर चले गए, जिसके बाद दूसरे दिन जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो एक भी पिंजरा जगह पर नहीं था। ऐसे में सतीश के पैरों तले जमीन सरक गई, जिसके बाद हड़बड़ाए सतीश ने आसपास के परिसर में पिंजरों की तलाशी ली, पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने 17 अक्टूबर को इस घटना की शिकायत दिग्रस पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिसके 5 दिन बाद पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर छानबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। शिकायत दर्ज करने के 20 दिन बाद भी चोरों का कोई सुराग दिग्रस पुलिस के हाथ नहीं आया है। मी सतीश भावने अरुणावती प्रकल्पात मासेमारी करत होतो, माझे 50 पिंजरे चोरीला गेलेले आहे। मी पोलीस स्टेशन इथे कंप्लेंट दिलेली आहे, पण अजून चोराचा शोध नाही लागला। माझं 50,000 नुकसान झालेलं आहे, माझ्याकडे कमाई करण्यासाठी दुसरे साधन नाही। बहरहाल एक तरफ इस मामले में दिग्रस पुलिस की जांच अब ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है, जबकि सतीश बावड़े नामक युवा मछुआरे के रोजगार का साधन चोरी होने से उस पर बेरोजगारी का संकट मंडरा रहा है। सतीश बावड़े ने NBCN को बताया कि उनके परिवार सदस्य पेशेवर खानदानी मछुआरे हैं। फिलहाल वे बांध के अधिकृत ठेकेदार के लिए मछली पकड़ने का काम करते हैं। ऐसे में गत दिनों सारे के सारे पिंजरे चोरी हो जाने से उनका कमाई का साधन छिन गया है, जिस वजह से परिवार पर भुखमरी की नौबत आ गई है। इसलिए दिग्रस पुलिस तत्काल इस मामले की शीघ्र गति से जांच कर ना सिर्फ चोरों को पकड़कर सजा दे, बल्कि उनके पिंजरे दिलाकर उन्हें बेरोजगारी के संकट से निजात दिलाए, ऐसी मांग भी सतीश ने NBCN न्यूज चैनल के माध्यम से की है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।